दोस्तों, थंबनेल हमारे वीडियो का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि जितनी भी व्यूज़ आते हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइबर आते हैं हमारे चैनल पे, वो हमारे थंबनेल द्वारा आते हैं। अब आप में से कई लोग बोलोगे थंबनेल द्वारा कैसे व्यू, वीडियो द्वारा आते हैं। जी हाँ, वो आपकी बात सही है, बट आपकी वीडियो पर वो कैसे आते हैं? वो आपकी वीडियो पर तब आते हैं जब आपकी वीडियो का थंबनेल देखते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो थंबनेल एक ऐसा चीज़ है जो हमारी वीडियो की इम्प्रेशंस, इंगेजमेंट बढ़ाता है। एंड अगर जो आपके थंबनेल अच्छा नहीं होगा तो आपकी वीडियो स्क्रॉल डाउन होती जाएगी, बस स्क्रॉल डाउन, एंड आपकी वीडियो को कोई नहीं देखेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला थंबनेल कैसे बनाएं। जी हाँ, एक फुल HD थंबनेल, अल्ट्रा HD थंबनेल बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, एंड वो भी मोबाइल से, जस्ट कुछ मिनट में। अब देखो, मैं तो यहाँ पर बोलूँ जस्ट कुछ मिनट में, बट थंबनेल एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर आप जितना टाइम दे सकते हो दो, क्योंकि थंबनेल द्वारा ही हमारी वीडियो पर व्यू आता है। अगर आपके माइंड में सोच लिया आपने पहले से कि हाँ, हमें थंबनेल में ये डालना है, तो आपका थंबनेल 2 से 3 मिनट में बन जाएगा, 4 मिनट में, 5 मिनट। सो फुल HD, अल्ट्रा HD थंबनेल बनाना सिखाऊंगा आज मैं मोबाइल से। जी हाँ, कोई लैपटॉप वगैरह यूज़ नहीं होगी, कुछ यूज़ नहीं होगा, ओनली ऑन फ़ोन से बनाऊंगा, सिर्फ एक ऐप यूज़ करके, मतलब अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। एंड हाँ, अगर जब हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वो लास्ट में बताऊंगा। सो गाइस, ये है अपना स्क्रीन, जो मोबाइल का स्क्रीन है। आज हम फ़ोन से आपको अल्ट्रा HD थंबनेल बना के दिखाने वाले हैं। तो हमको सिंपली से आना है अपने पिक्सल लैब ऐप में, जैसे कि एक ऐप है ये पिक्सल लैब, इसको हमको डाउनलोड करना है। तो प्ले स्टोर पर जाओगे आप, एंड प्ले स्टोर पर जस्ट आपको सर्च करना है पिक्सल लैब, तो ये वाला सबसे पहले वाला आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले इंस्टॉल कर लिया, तो मैं जस्ट इसको ओपन करूँगा। ओपन करते ही कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली से ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। आपको सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे हमको पहले तो अपने जो इमेज है हमें YouTube के लिए बनाना है, तो हम YouTube का जो थंबनेल है उसका साइज़ हम पहले सेलेक्ट करेंगे। तो इमेज साइज़ में जाएंगे, एंड ये जो पहले वाला देखो, जो पहले का इमेज साइज़ है वो 1280 प्लस में 720, ये जो रेशो है ये आप देख सकते हो, ये वाला, ये 1280x720, ये तो है नॉर्मल, ठीक है, आपको नॉर्मल आजकल बनते हैं वो। बट आपको अल्ट्रा HD जो बनानी है थंबनेल, तो क्लिक करने का, तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा 2560 एंड यहाँ पे 1440। जी हाँ, ये जो रेशो है ये फुल अल्ट्रा HD वाला रेशो है। यहाँ पे सिंपली से आपको क्या करना है कि इसको पहले हम डिलीट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड हम यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे, तो हमें पहले इस वाले बॉक्स में आना है, 4th वाले में। एंड यहाँ पे आपको आपको बैकग्राउंड कैसा रखना है वो आप चाहो तो रख सकते हो, बैकग्राउंड यहाँ से ले सकते हो, या फिर इमेज यहाँ इसके अंदर से आप ले सकते हो कोई भी, या फिर आप यहाँ से फ्रॉम गैलरी से आप कोई भी वीडियो आप उठा सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो मैंने सिंपली क्या करना है कि यहाँ से मैं कोई कलर लूँगा, यहाँ से जैसे कि मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ, यहाँ से मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। यहाँ से कलर भी बना सकते हैं, जी हाँ, आप चाहें तो अपनी मन की मर्जी से कलर भी यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो मैंने ये कलर बना लिया, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करूँगा मैं, तो मैंने ये अपना कलर ले लिया सबसे पहले। एंड हमको क्या करना है, अब मैं इस जगह पे इमेज अपलोड करूँगा। जी हाँ, अब मेरे को इसमें अपना इमेज वो करना है गाइस। अब हम करेंगे अपना इसमें इमेज एक्सपोर्ट, तो हमें बीच वाले ऑप्शन में आ जाना है, यहाँ पे 3rd वाले ऑप्शन में। एंड यहाँ पे इंपोर्ट का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जो आपने अभी बैकग्राउंड रिमूव किया ना, उस वाले इमेज को आपको इंपोर्ट करना है। आप साइज़ चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग साइज़ में आपको मिल जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेना है, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे दूंगा इसको एक शेडो स्ट्रोक दूंगा मैं थोड़ा सा, ताकि एडजस्ट करना पड़ेगा आपको आपकी पिक्स, क्योंकि बिना एडजस्ट के लिए। अब ये देखो, ये पोजीशन से यहाँ से आप ऊपर नीचे आगे पीछे आगे सब जगह कर सकते हो, और मैं यहाँ से दूंगा एक स्ट्रोक अपने फ़ोटोज़ को। तो फ़ोटो को मैंने एक स्ट्रोक दे दिया। अब स्ट्रोक ज़्यादा हो गया तो आप नीचे से कम कर सकते हो, इतना कम या फिर इतना कम, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। एंड इसको हम लॉक भी कर सकते हैं। अब देखो, अब हमने ये कर लिया, अब हमारा बैकग्राउंड चाहते हैं कि हम इसको ना हिलाएं, तो यहाँ के ऑप्शन पर आना है, यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ से हम अपने को लॉक कर देना है। हमने यहाँ से अपने इमेज को लॉक कर दिया, ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये अब हमारा कहीं नहीं लेगा। अब हमको यहाँ पे जो हमारा थंबनेल है वो हमको यहाँ पे देना है सिंपली से। तो हम यहाँ पे टैक्स लिखेंगे, तो ये टैक्स का ऑप्शन हो गया, यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे मैक हमने यहाँ पे लिख दिया मैक अब देखो, अब ये फ़ॉन्ट्स जो हैं
अब ये फ़ोन्स तो हैं, तो फ़ोन्स का ऑप्शन ये ए वाला है, ये ए वाला, और शायद देख रहे हो, ए में आपको सारे फ़ोन्स के कलर्स, आपको सारे सारे फ़ोन्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ बोल्ड में करूँगा मैं, जहाँ फ़ोन्स वगैरह कुछ नहीं ले रहा, मैं बोल्ड कर रहा हूँ। और ये जो आप साइज़ देख रहे हो DT, इससे साइज़ आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मैक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है इतना, ठीक है। तो मैंने मैक्स को थोड़ा बड़ा कर लिया, इतना कर लिया। यहाँ पर मैंने इसको रख लिया एडजस्ट। कलर यहाँ पे आपको मिल जाएगा अलग अलग तरीके का, तो मैंने वाइट कलर ही रखा है यहाँ पे। अब मैं इस मैक्स को स्टोक दूंगा, तो मेरे को यहाँ पे सिंपली मैंने स्टोक इनेबल किया, स्टोक दे दिया मैंने इसको, ठीक है। एंड देन और भी मैं कुछ चीज़ें लिखूँगा, मैक अल्ट्रा एच डी। अब यहाँ से मैंने फिर से लेना है, बोल्ट करूँगा मैं इसको। मैं जल्दी फ़ोन्स वगैरह नहीं लेता, क्योंकि ऐसे सिंपल में बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें मेरे को कलर चाहिए, तो हाँ इसमें मैं अपना कलर सेलेक्ट करूँगा, ब्लैक, रेड, अलग अलग तरह के कलर मिल सकते हैं यहाँ पे। अगर जो आपको अपने से कलर बनाना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जी हाँ, मैंने रेड लिया, एंड इसको मैं स्ट्रोक देता हूँ अभी, ब्लैक स्ट्रोक वाइट में दे दिया। अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, मैं एक अल्ट्रा HD, थंबनेल। अब ये थंबनेल का फॉन्ट आ गया। अब इस थंबनेल के फॉन्ट को हम बोल्ड करेंगे, बोल्ड कर लिया हमने यहाँ पे। इसकी साइज़ को इंक्रीज करेंगे यहाँ पे, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमने ये सारा फ़ॉन्ट लिख दिया, अब इसको हम बैकग्राउंड देंगे। तो आप बैकग्राउंड देना चाहते हो तो यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कौन सी लेंथ कितनी रखनी है आप वो भी रख सकते हो, ठीक है ना, ज़्यादा कम बड़ा ये सब आप रख सकते हो। तो ये जो देखो ऊपर ऊपर में ज़्यादा ज़्यादा जो निकला है, मैं उसको कम कर दूंगा। मैं यहाँ से मैंने कम कर दिया इतना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता वो इतना ज़्यादा ज़्यादा मेरे को। एंड इसको थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा कम कर दूंगा मैं, इतना कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अभी ये अच्छा लग रहा है, प्रॉपर जो बैकग्राउंड है। और अगर जो आप शॉप से थोड़ा सा इसको, इसकी साइज़ को अलग रखना चाहते हो, तो कुछ इस तरीके करके यहाँ से ओके कर दो। एंड अगर जो आपको कलर चाहिए इसके अंदर में, तो आप भी कलर इसमें ले सकते हो। अभी हो गया ग्रीन कलर में, एंड हम इसका भी बैकग्राउंड ले। अब आप देख सकते हो ये एकदम मस्त सा लग रहा है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को हम लॉक कर देंगे अपना, दिखा दो मैं। अब देखो मैंने थंबनेल बनाना आपको सिखा दिया। आपको इसके अंदर अलग अलग शेप्स मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके का काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। देखो अब मैं ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगा तो आप बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। बट जब तक आप अपने से इसको नहीं छेड़ोगे ना, जब तक कोई काम आप अपने से नहीं करोगे, तब तक आपको बिल्कुल नहीं आएगा, किसी के सिखाने से भी नहीं आएगा आपको कोई भी काम, जब तक आप अपने से काम नहीं करोगे उस चीज़ पे, ठीक है। तो मैं अब इसको आपको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ से हमको अल्ट्रा में करना है एक्सपोर्ट, ठीक है, हमको अल्ट्रा में एक्सपोर्ट करना है यहाँ पे। तो मैंने अल्ट्रा में एक्सपोर्ट कर लिया इसको, एंड देन मैं आपको इमेज दिखाता हूँ कि वो, तो ये है जो हमने थंबनेल बनाया था उसका। अब मैं दिखाता हूँ HD फुल कितना दिखता है, ये देखो एक भी वर्ड इसका नहीं फट रहा, यू कैन सी एक भी वर्ड नहीं फट रहा। एंड रही बात आपकी फ़ोटोज़ की, तो फोटो रखोगे उतना ही अच्छा शो करेगा, जैसे ये शो कर रहा है इस टाइम, ये जैसे शो कर रहा है, ठीक है। ये देख रहा हूँ ना, कहीं से भी नहीं फट रहा, बहुत ही क्लीन दिख रहा है, बहुत ही अच्छे शेप में दिख रहा है, ठीक। सो गाइस कैसी लगी वीडियो? अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगले इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।